हेलो एवरीवन, बहुत सारे हमारे व्यूअर ने कहा कि स्टॉक मार्केट के बारे में आप अपना फीडबैक दीजिए और कैसे स्टॉक मार्केट को हम लोग देख सकते हैं उसके व्यू को थोड़ा सा आप हम लोगों के साथ शेयर करिए, अपना व्यू आप हम लोगों के साथ शेयर करिए कि स्टॉक मार्केट को आप किस तरह से देखते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है हम लोगों के लिए इक्विटी इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे क्या है ना कि एक ट्रेडिशनल माइंडसेट इंडिया में बना हुआ है कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ स्टॉक मार्केट, इज़ अ शॉक मार्केट। यहाँ पे शॉक मार्केट इसको ज़्यादा समझा जाता है, गैम्बलिंग ज़्यादा किया जाता है, स्पेकुलेशन ज़्यादा किया जाता है रेदर देन इन्वेस्टिंग इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स। देखो, गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स इन द सेंस कि वैसे स्टॉक जो हम लोग एटलीस्ट अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, वैसे स्टॉक ही लॉन्ग टर्म में जो है एक अच्छा पैसा बना के भी दिए हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, नेस्ले के बारे में बात करें तो वेल नोन कंपनी है जो डेफिनेटली एक मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है इन पास्ट 20-25 ईयर्स, तो उस हिसाब से हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट को क्या है ना कि एक ट्रेडिशनल इंडियन माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि जहाँ पे स्टॉक मार्केट को शॉक मार्केट देखा जाता है, और इसमें जो भी इंडियन ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले पीपल हैं, इंक्लूडिंग जो भी हम लोगों के सराउंडिंग में है जिनका इक्विटी में एक्सपोजर बहुत कम होता है, उनका आप देखोगे कि लैंड में, गोल्ड में, उसके बाद अदर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, एज़ कम्पेयर टू शेयर्स। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इंडिया में। और यहाँ पे एक चीज़ और ख़ास बात ये है कि देखो, शेयर लेना थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लमेटिक लगता है क्योंकि शेयर खरीदने से आसान जो होता है वो गोल्ड खरीदना होता है। गोल्ड खरीदने में कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ज़मीन खरीदने में कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग कोई बंच ऑफ स्टॉक खरीदते हैं, कोई 4-5-6 स्टॉक हम लोग खरीदते हैं, तो उसमें हम लोगों को ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू हम लोग गोल्ड खरीद लेते हैं या एज़ कम्पेयर टू हम लोग लैंड खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि लोगों को क्या है कि आसान चीज़ ज़्यादा समझ में आता है, आसान चीज़ ज़्यादा दिखता है, इजी है, और अपने आप को लोग कन्विंस करता है कि हमको लैंड में या फिर गोल्ड में या फिर अदर एसेट अदर देन इक्विटी में हमको पैसा बनेगा, और इक्विटी में क्या है कि पैसा अपना जाना ही जाना है। इस तरह का ट्रेडिशनल माइंडसेट यहाँ पे इंडिया में बना हुआ है। बहुत लोगों का ऐसा भी सोचना होता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्विक मनी बनाने का एक, समझ लो, एक मशीन है जहाँ पे हम लोग जाएंगे और बड़ा पैसा बना के आ जाएंगे या फिर बड़ा पैसा बन सकता है, और एक तरह का गैम्बलिंग यहाँ पे हो रहा है या गैम्बलिंग है, ऐसा माइंडसेट यहाँ पे बना हुआ है स्टॉक मार्केट को लेके। जो डेफिनेटली जो इस तरह के माइंडसेट के साथ स्टॉक मार्केट में आते हैं, जो गैम्बलिंग के थ्रू अपना पैसा बनाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली गैम्बलिंग के थ्रू पैसा बना तो नहीं पाते हैं। हाँ, वो बैंक करप्सी की तरफ डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। और जो को लोग क्वालिटी कंपनी में क्वालिटी बिजनेस बाय करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, उनका पैसा आज नहीं तो कल आगे पीछे ऊपर नीचे करके उनका पैसा बन ही जाता है। इंडिया में एक बड़ा माइंडसेट ये है कि स्टॉक मार्केट में जो भी लोग पैसा बनाते हैं वो लोग या तो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं तो उनका पैसा बना है, या तो फिर वो गैम्बलिंग किए हैं तो उनका पैसा बना है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये सोचना कि किसी भी कंपनी के बारे में कि उनका प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, सेल्स ग्रोथ क्या है, तो ये सब चीज़ जो है किसी भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टर के मायने नहीं रखता है कि वो कैसा ग्रोथ कर रहा है, वो कैसा बिजनेस मॉडल है उस कंपनी का, वो कंपनी आगे सस्टेन कैसा करेगा, क्या डबल डिजिट ग्रोथ होगा, सिंगल डिजिट ग्रोथ होगा, उसका क्या आगे फॉरवर्ड वैल्यूएशन रहेगा कंपनी का, ये सब डेफिनेटली कोई मायने नहीं रखता है जब हम लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग आसपास जितने भी लोग हैं जो स्टॉक, जैसे मैं एक बंदा हूँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, मैं उन सब लोगों को ट्रेडिशनल इंडियंस माइंडसेट बोल रहा हूं, ताकि क्योंकि वो लोग स्टॉक मार्केट को दूसरे हिसाब से ही देखते हैं। हम लोगों का क्या है कि स्टॉक मार्केट को हम लोग एज ए एसेट देखते हैं, एज ए एसेट क्लास देखते हैं, लेकिन उनका जो व्यू है वो एज ए गैम्बलिंग क्लास है। वो इनका ऐसा व्यू है कि यहाँ पे गैम्बलिंग के थ्रू ही पैसा बन सकता है, या तो फिर कोई टिप ऑफ देगा, कोई मुंबई बेस्ड, कोई मुंबई में बैठा हुआ है
बीएससी एनएससी के ऑफिस में या फिर आसपास कोई बैठा हुआ है, कोई हर्षद मेहता टाइप आदमी है जिसका सेटिंग है एक्सचेंजेस में, उसके पास न्यूज़ आ रहा है तो उस न्यूज़ बेसिस पे वो लोग ट्रेड कर रहा है तो वो पैसा बना रहा है, तो ऐसा बात एक्चुअली में उन लोगों का थिंकिंग होता है। लेकिन उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है कि कंपनी का किस कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ क्या है, वो टॉप लाइन कैसा है, बॉटम लाइन कैसा है, इन सब से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ एलिगेशन लगाना है कि भैया स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड होता है, इसका जो भी बैलेंस शीट होता है वो सब मैनिपुलेटेड है, यहाँ पे कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, वो उनका व्यू होता है। देखो बोलना तो ये सब बात नहीं चाहिए ओपनली पब्लिक फोरम पे, लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ बोलने का जोखिम लेता हूँ कि देखो कुछ दो तरह के लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में। पहले जो रिकमेंड करते हैं खुद इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो उनको रिकमेंड करना बहुत आसान लगता है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। और दूसरे लोग जो वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको अपना पैसा बनाना है ना, उनको दुनिया का पैसा नहीं बनाना है, वो क्यों दूसरे को रिकमेंड करेंगे, समझ रहे हो ना। तो जो दूसरे को रिकमेंड कर रहा है वो एक समय में पहले तो जानना पड़ेगा आपको कि वो खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि नहीं, उसका कितना परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट में है, वो फुली इन्वेस्टेड है, पार्शियल इन्वेस्टेड है, क्या उसका इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी में कैसा एक्सपोजर है, वो चीज़ समझना पड़ेगा। अगर किसी का आप ज्ञान ले रहे हो, किसी से आप सुन रहे हो, इवन हमसे भी आप सुन रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोग हमसे पूछ सकते हो कि आपका कितना परसेंटेज जो है एलोकेशन जो है वो इक्विटी में है। हम लोग मोटा मोटी जो है, मैं अपना बता दे रहा हूं कि 75% अपना जो है पैसा वो मैं इक्विटी में रखता हूं, 25% जो है वो मैं कहीं फिक्स डिपॉजिट या फिर लिक्विड फंड में रखता हूं कि अगर मार्केट में किसी तरह का सिनेरियो आता है, कोई क्रैश आता है, कोई अनसर्टेनिटी आता है, तो डेफिनेटली वो लिक्विड फंड भी हम इक्विटी में ट्रांसफर कर सके। तो मोटा मोटी समझो कि मेरा एक्सपोजर जो है 100% इक्विटी में रहता है, तो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि भैया पूरा पैसा ये इक्विटी में रखता है, कैसे रखता है, इसको फियर क्यों नहीं है, इसको डर क्यों नहीं है। डर इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा जो स्टॉक मार्केट एनालिसिस है वो गैम्बलिंग बेसिस नहीं है, वो कोई मुंबई बेस्ड ऑपरेटर नहीं है जो मेरे को टिप ऑफ दे रहा है ताकि हम उस पर हम बायस होकर अपना इन्वेस्टमेंट करें या हम अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ऐसा नहीं है। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे एनालिसिस के ऊपर है, वो डेफिनेटली वो टॉप लाइन, बॉटम लाइन, डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू, कंपनी का जो बेस फंडामेंटल है जिसपे हम लोग वीडियोज़ भी बनाते हैं, वो सब चीज़ को एनालिसिस करने के बाद मेरा जो है वो इक्विटी में एक्सपोजर जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को देखना चाहिए अपना पोर्टफोलियो भी। और जब बात करते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है ना कि सबसे आसान, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन्वेस्टिंग इन बंच ऑफ स्टॉक इज मोर डिफिकल्ट देन बाइंग अ लैंड और अ गोल्ड। गोल्ड बाय करना बहुत आसान है, गए दुकान में जाके बाय कर लिए जो भी रेट चल रहा है, ये व्यू के साथ कि गोल्ड का प्राइस आगे आने वाले टाइम में जाएगा ही। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ एक 32 साल ऐसा आया था बीच में, कौन सा पीरियड है वो मुझे ध्यान में भी नहीं आ रहा है, 32 साल तक जो है गोल्ड का प्राइस हिला ही नहीं था, वो अपने जगह से हिला ही नहीं था, जो प्राइस था वही प्राइस पहले आया, टॉप बना, उसके बाद हल्का करेक्शन हुआ उसमें, और वो करेक्शन जो है वो अपना जो प्रीवियस हाई था वो 32 ईयर्स के बाद वो तोड़ा है। वो डेफिनेटली मैं आप लोगों को ईयर उसका मेंशन करके डेफिनेटली वो कमेंट कर दूंगा। तो 32 साल तक जो है वो गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़ा। तो एक गोल्ड ऐसा नहीं है एसेट क्लास की वो कंटिन्यू उसका प्राइस बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा। हर एसेट क्लास में जो है रिसेशन आता है, टाइम करेक्शन आता है हर एसेट क्लास में, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे लैंड का भी सोचो आप कि अगर आप बाय कर लेते हो तो क्या कंटिन्यू उसका प्राइस बढ़ते रहेगा, एक प्राइस पे आके वो स्लो हो जाएगा, बहुत थोड़ा स्लो हो जाएगा, एकदम स्लो हो जाएगा, उसका इंक्रीमेंट स्लो हो जाएगा। हाँ, सेफ है क्या है नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन ग्रोथ का बात जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वो डेफिनेटली जो है वो उसका भी वहाँ पे रिसेशन आता है, वहाँ पे भी उसका लेवल रुक जाता है एक टाइम के बाद। तो ये चीज़ है, लेकिन देखो स्टॉक मार्केट में क्या है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है एक व्यू बना हुआ है कि नहीं ये जो है सट्टा बाजार है, तो यहाँ पे पैसा लगाना एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड गोल्ड एंड बॉन्ड्स, तो ये चीज़ ज़्यादा यहाँ पे कठिन है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिशनल माइंडसेट जो है यहाँ पे बना हुआ है रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। और दूसरा चीज़, और कुछ लोग देखो इन्वेस्टमेंट करने आ भी जाते हैं एज़ कम्पेयर टू, मान लो अगर बात करें कुछ लोग कन्विंस्ड हो गए मार्केट से या फिर किसी दूसरे का रिटर्न देख के मार्केट से, ओवर थिंक हो के मार्केट में कि मेरा भी बड़ा पैसा बन जाएगा, अगर आ भी जाते हैं तो वो टिप ऑफ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं एज़ कम्पेयर टू एनालिसिस करना उस स्टॉक में जिस स्टॉक में वो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि हियर से बहुत ज़्यादा आसान है, सुन लेना किसी का
पूछ लेना किसी से, अपने मामा के लड़के से पूछ लेना, अपने चाचा के लड़के से पूछ लेना, किसी बड़े पोर्टफोलियो बड़े फंड मैनेजर को देख के कॉपी कर लेना, या फिर कोई बड़े एंजल इन्वेस्टर को देख के कॉपी कर लेना कि उनका क्या स्ट्रेटजी है। देखो कोई भी इन्वेस्टर जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले नहीं बताएगा कि मैं इस शेयर में पैसा लगाने के लिए जा रहा हूँ, ये आपको नहीं बताएगा, और डेफिनेटली जब वो प्रॉफिट बुक करेगा तो भी वो आपको नहीं बताएगा। तो इस तरह का लेसन और इस तरह का एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनका डेफिनेटली आज ना कल तो बैकफायर होता ही है, और जिसमें बैकफायर होता है वो उछलता बहुत ज़्यादा है वो बंदा जो उस तरह से इन्वेस्टमेंट अपना करके रखा हुआ है। तो हम लोगों को ये सब चीज़ से बचना चाहिए और खुद एनालिसिस करने का कोशिश करना चाहिए। खुद एनालिसिस नहीं कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ या किसी फंड मैनेजर के थ्रू जाओ, तो उस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप लोग इक्विटी क्लास में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो। तो इस तरह से हम लोग छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो बनाते यहाँ पे जाएंगे और आप लोगों को बताते जाएंगे कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है, माइंडसेट क्या होता है, गेंस क्या होता है, जितने भी टॉपिक हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं सारा इस तरह के वीडियो बना बना के आप लोगों को शेयर करूँगा डेफिनेटली। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हम लोगों का इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने सराउंडिंग में अपने व्हाट्सअप स्टेटस में डेफिनेटली इसको शेयर करें, ताकि जो भी लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को बेसिक से समझना चाहते हैं फंडामेंटल को, तो वो उसको जान के समझ के वो उनके लिए आसानी हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि मार्केट में देखो कब पैसा बन जाएगा कब पैसा नहीं बन जाएगा ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन अच्छे स्टॉक में जहाँ पे हाई अर्निंग सही है, अर्निंग कॉन्स्टेंट है, वहाँ पे ही पैसा बनेगा। वैल्यूएशन का क्या है, आज बियर मार्केट शुरू हो गया तो वैल्यूएशन थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, कल बुल मार्केट आ जाएगा फिर से तो वैल्यूएशन उसका ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऊपर ऐसा शेयर का ही जाएगा जिसका अर्निंग कॉन्स्टेंट है। तो उस हिसाब से आप लोग समझोगे सीखोगे तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा पैसा बनेगा। बड़ा पैसा बनने के लिए ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो कोई भी कर सकता है स्टॉप लॉस लगा के, उसका कोई मतलब है नहीं। 10% 15% 20% कमा लेने से कोई अमीर नहीं बन जाता है। हाँ, अमीर बनेगा जब आप 40 गुना पैसा करोगे, 50 गुना पैसा करोगे, 100 गुना पैसा करोगे अपने वेल्थ का, अपने इन्वेस्टमेंट का, तो जाके आप अमीर बन पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।